शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसे जीवन भर निभाना पति और पत्नी दोनों का फर्ज होता है। फिर भले ही उनके जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन इन दोनों को कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब रिश्ता निभाने की कोशिश दोनों पक्षों की तरफ से होती है, तभी वो रिश्ता मुकम्मल हो पाता है। वैसे अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपको अपने शादीशुदा जीवन को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। और अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एक बार ये जानकारी जरूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसे पढ़ने के बाद आपको अपनी सही लाइफ पार्टनर मिल जाए। जी हाँ, आज हम आपको ऐसी 3 महिलाओं के बारे में बताएंगे जिनसे शादी करने के बाद आपका जीवन सच में खुशहाल हो जाएगा। बात करते हैं पहले अक्षर की, यानी एन नाम वाली लड़कियाँ। जिन लड़कियों का नाम इस अक्षर से शुरू होता है, वो सच में काफी अच्छी होती हैं। ये लड़कियाँ शादी के बाद अपना भाग्य चमका सकती हैं, और इनसे शादी करने के बाद आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। इसलिए अगर आपके जीवन में भी इस अक्षर से शुरू होने वाली नाम की कोई लड़की है, तो उसे शादी करने में जरा भी देर मत कीजिए। वहीं बात करते हैं दूसरे अक्षर की, यानी एस नाम वाली लड़की। जिन लड़कियों का नाम एस अक्षर से शुरू होता है, वो भी अपने पार्टनर के लिए काफी भाग्यशाली होती हैं। इस नाम की लड़कियां अपने पति और ससुराल वालों का काफी अच्छे से ख्याल रखती हैं, यहां तक कि ये अपने पार्टनर को हर खुशी देने का प्रयास भी करती रहती हैं और उनसे बेहद प्यार करती हैं। इसके अलावा ये लड़कियां कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। वही बात करते हैं तीसरे अक्षर की, यानी जेड नाम वाली लड़कियां। वैसे तो जेड नाम की लड़कियां बहुत ही कम होती हैं जिनका नाम इस अक्षर से शुरू होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में इस नाम की कोई लड़की है, तो उससे तुरंत शादी कर लीजिए, क्योंकि इस नाम वाली लड़की से शादी करने के बाद आपकी किस्मत खुल जाएगी। साथ ही लड़कियां ना केवल अपने ससुराल वालों को खुश रखती हैं, बल्कि अपने पति का भी हर सुख और दुख में ख्याल रखती हैं। वैसे भी आपको अपने पार्टनर के रूप में एक ऐसी लड़की को चुनना चाहिए जो आज के जमाने में भी अपने सास ससुर का अच्छी तरह से ख्याल रखे और अपने पति का साथ दे। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।